दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन से लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा वॉकओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही थी। उन्होंने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से पराजित किया। इससे पहले वर्ष 2019 में भी पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। पूजा की जीत पर भिवानी में खुशी का माहौल है। दुबई में चल रही एशियन चैंपियनशिप में भिवानी की बेटियों ने 3 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें पूजा बोहरा, जैस्मिन लंबोलिया और साक्षी ढांडा शामिल हैं। पूजा के कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी संजय शोराण ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूजा ओलंपिक्स में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। 14 में एशियन गेम में ब्रॉन्ज था, फिर एशियन फिल्स का ब्रॉन्ज था, तो काफी साल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है पूजा, और बिना थके लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि अच्छी खूब मेहनत कर रही है, जिसमें काफ़ी बीच में इंजरियाँ भी हुई, उसको डिमोलाइज भी किया, लेकिन उससे उड़ते हुए फिर उसने दूसरी बार एशियन में स्वर्ण पदक जीता है। अभी उसने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर रखा है, कोविड की वजह से ओलंपिक थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो ये पिछले साल होना था, लेकिन अभी 2021 में होगा। हमें उम्मीद है कि पूजा हमारे पदक लेगी और स्वर्ण पदक की हम उम्मीद करते हैं। हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त पूजा के पिता राजवीर ने बताया कि बेटी को जब बॉक्सिंग में डाला तो रिश्तेदारों की खरी खोटी सुननी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और पूजा ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो कई पदक जीत चुकी हैं। खुशी है, हमें हमारे प्रांत में भी को भी बहुत खुशी है। हमारे छोटे से शहर भिवानी का उसने नाम रोशन किया है और बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, और बहुत जी जान लड़ा करके वो मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात साथ साथ ये भी है, अभी महिला बॉक्सिंग के अंदर ओलंपिक में पहली बार कोटा इसने हासिल किया है। मेरी बेटी नाम रोशन कराया सर, सबकी बेटी सर नाम रोशन कर रहे हैं, छूट दो बेटियां, बाण लिखण की छूट कौन दिलो।